back looking really really sexy and सलाम में दो तीन पंडिया भी तुम्हारे भाई को देख रही थी। तो भाई अब जा रहे हैं भाई, क्या BMW आ रही है पीछे एकदम लग्जरी वाली इलेक्ट्रिक वाली। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू एक द पाथफाइंडर व्लॉग्स। हैप्पी न्यू ईयर टू आप सभी को भाई। लोगों कैसे हो आप सब? एनर्जी देख रहे हो भाई मेरी, क्या बात है। नया साल है, फुल ऑफ एनर्जी है भाई। कोई भी नेगेटिविटी को हमने पास नहीं आने देना भाई। जय श्री राम सारेनु और भाई सत श्री अकाल, हर हर महादेव भाई बोल के अपन लोग निकल चुके हैं अपनी मीटिंग्स के लिए। फाइनली बैक ऑन द ट्रैक, जो भाई अपने काम है उसको पूरा कर रहे हैं जाके इधर से उधर, क्योंकि अब सब लोग छुट्टियां मना के आ चुके हैं। तो हम तो भाई वेट कर रहे थे कि हमारी मीटिंग्स वापस से स्टार्ट हो। तो भाई बहुत तगड़ी फॉग हो सकती थी और हल्की हल्की ना हुई भी थी रात में, बट अगेन भाई वो हवा वाला हिसाब किताब था। तो एक सेकेंड तार अटक गई, हाँ तो हवा वाला हिसाब किताब था, तो उसकी वजह से सारी फॉग गायब हो चुकी है। तो हम जा रहे हैं आज गाजियाबाद साइड पर भाई, और हमारे साथ एक और भाई जुड़ने वाले हैं। वो अगर कंफर्टेबल होंगे तो उनको भी हम कैप्चर कर लेंगे। और ये क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो भयंकर सा ट्रैफिक जाम लग रखा है वीरो। ऐ की गल हो गई मेरे वीर, चक दे फिर जल्दी चल। तो भाई टाइम दिखा रहा है कुछ बहुत ही ज़्यादा और ट्रैफिक है बहुत तगड़ा अक्षरधाम की साइड पे, मैंने देख लिया ऑलरेडी गूगल मैप्स पे। तो फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं भाई और फिर आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं थोड़ी देर में। देख लो गाजियाबाद में बैंकवेट है और सारा नाले का पानी से भर गया, कोई कार्यक्रम नहीं करा हुआ यहाँ पे MCD ने। भाई लोगों हो चुके हैं मीटिंग से फ्री और सामने आ चुका है रेडिसन कौशाम्बी, जिसका है रूफटॉप पूल व्यू और रूफटॉप बार। काफी सुंदर प्रॉपर्टी है। नए फोन का जूम इतना प्यारा है ना, सब दिखा देता है दूर दूर का, गजब भाई गजब। तो भाई इस तरफ तो तही तगड़ी फॉग। तो भाई सुबह की जो हमारी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग थी वो हो गई थी पोस्टपोन जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग। तो लेट ही गए, लेट ही मीटिंग करी, ठीक है। और अब जा रहे हैं जो एक सर ने रिकमेंडेशन किया था अभी लास्ट मीटिंग से, तो जो एक्चुअली सेकंड लास्ट मीटिंग से बेसिकली, तो जो लास्ट मीटिंग थी वो तो हो गई कैंसिल। तो मैंने कहा इधर एक बार ही हेलो हाई कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े कार्ड वार्ड एक्सचेंज हो जाएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे घर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे एक क्या होता है वो PR टाइप होता है ना अपना, एक रिलेशन भी बन जाएगा और वो चीज़ है फिर, है ना। तो फटाफट से वहाँ चलते हैं और आपको बताते हैं आगे का क्या कैसा रहा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आज भी रात भर फॉग रहेगी, बट अभी हवा चल रही है तो थोड़ी थोड़ी फॉग छटती जा रही है। सो मुझे कल मैं आ नहीं सकता था बिकॉज मम्मा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनको फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने मम्मी को भाई बोला, मैंने कहा यार जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि लास्ट ईयर भी ना हम इन्हीं दिनों में, मतलब बेसिकली न्यू ईयर से पहले यानी कि क्रिसमस के बाद, तो और न्यू ईयर के बाद मतलब 2 या 3 तारीख को हम लोग रात को गेड़ी मारने निकले थे मम्मा और मैं, कॉफ़ी वॉफी पी थी और फॉग के मज़े लिए थे। तो वही चीज़ चाह रहा हूँ मैं। सो लेट्स सी, ठीक है आगे चलते हैं। भाई मॉल के अंदर मीटिंग करने आए और यहाँ पर देख लो ट्रैम्पोलिन पार्क है बढ़िया सा, क्या बात है भाई। क्या बिल्डिंग है, 20x22 फ्लोर है। और ये था अपना भाई शिप्रा नॉर्थ इंडिया मॉल, यहाँ से निकल रहे हैं मीटिंग वीटिंग करके बढ़िया सी गाड़ी में बैठते हो भाई। बहुत बहुत ये है नज़ारे, फॉग ही फॉग है भाई चारों तरफ यहाँ पे। और अभी जैसी जैसी रात होती चली जाएगी ना भाई, ये फॉग और नीचे सेटल होती जाएगी भाई। ये है ना असली माहौल वाला हिसाब किताब, यहाँ आएगा मज़ा भाई रात के टाइम पर ड्राइव करके। दिन में तो देखो भाई सफ़ेद चादर हो जाती है, बिल्कुल ही रिस्की हो जाता है दिन में फॉग में गाड़ी चलाना, बट रात में लाइट की वजह से यू आर इजीली एबल टू सी कि एग्जैक्टली आपकी गाड़ी जा कहाँ रही है। तो देखते हैं अगर भाई मम्मी की तबीयत ठीक हुई तो रात में एक बार यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दूर दूर तक है फॉग का। वो देखो भाई घर भी नहीं दिख रहे पूरे। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू एक द पाथफाइंडर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब भाई? ये ब्लॉग अपना हो रहा है कंटिन्यू। सारे अनु राम राम, सारे अनु सत श्री अकाल भाई। अभी जा रहे हैं हम बैंक कुछ ज़रूरी काम से, और सुबह ना जोमेटो वाले से इडली मंगवाई थी। अब मैं भी देख रहा हूँ, गार्ड ने बताया दरवाजे पे भाई ने स्क्रैच मार दिया, वो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं आती। अभी देखो ये चाचा जी आए हैं, चलो इनमें दिमाग है, इन्होंने वहाँ रोकी है, अब इन पर ज़रा नज़र रखता हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे घुसाते टाइम भाई ने, तो चल उधर लगाई है, बट उस भाई ने क्या करा बिल्कुल ही आड़े डाल दी दरवाजे के, ठीक है। और इतना गंदा स्क्रैच है, तो शुक्र है PPF है भाई, PPF फटी है उस पर स्क्रैच आया है, तो गाड़ी का पेंट प्रोटेक्टेड है, ये तो अपना गैलेक्सी कार कह रहा है तो वहाँ जाऊँगा ये ठीक भी हो जाएगा। बट इस भाई में अक्कल है, या तो इसने कैमरा देख लिया
तो उसने गाड़ी उधर कर दी थोड़ी अपनी, वरना मेरे को गार्ड ने बताया वो पूरा फुर्सा यूं 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 करके चलाते हैं ना ये इलेक्ट्रिक वाली, ये छोटी सी छोटू सी, ये देख रहा है ये पौनी इंच की इसको। अब मैं तब मेरे को बताया नहीं, अभी इसने अभी बताया जब मैं नीचे आया गार्ड ने, तो वहीं धरता मैं उसको। अरे भाई दूसरे का नुकसान क्यों कर रहा है अपने स्टाइल के चक्कर में, मतलब भाई मैं तो चल शुक्र है भाई पीपीए पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल भाई हम जा रहे हैं बैंक कुछ धन का आदान प्रदान करने, ठीक है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइफ में तो उनको कर लेना चाहिए समय समय रहते हुए, ठीक है ना। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। भाई घर आ चुके बैंक से, ऑर्डर करके गया था काका जी के छोले भटूरे, और ठंड का मौसम है तो भाई काका जी के छोले भटूरे से अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ये देखो छोलों को देखो भाई, तुम पास से दिखा रहा हूँ कितने सेक्सी लग रहे हैं ना। अरे आएगे भटूरे जो फटूरे हो जाते हैं घर में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट टेस्ट मम्मिया उमामी। हां जी गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द पाथफाइंडर व्लॉग्स। कैसे हो भाई आप सब? मुझे पता है शाबी हो रखा है शक्ल बहुत ज़्यादा दाढ़ी की वजह से, और बाल भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बट क्या करें भाई, कोशिश करी कि थोड़ा बहुत स्मार्ट लग सकें, ठीक है। तो फिलहाल जा रहे हैं भाई वसंत विहार क्लब, नानू ने बोला है कि वो लंच करा रहे हैं मुझे, तो भाई लेट्स गो उधर चलते हैं फटाफट से। तो मम्मा ऑलरेडी निकल चुकी है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मेरा ना पहले प्लान नहीं था, बट नाना ने दो बार ही बोल दिया कि आजा आजा, क्योंकि मेरे को देखो बियर्ड करानी है, पेडीक्योर है, बाल कटवाने थे, तो मैंने सोचा था लंच में मेरा आज किनोआ था, तो मैंने कहा कि भाई किनोआ की बिरयानी मंगवा लूँगा बाहर से और वही खा लूँगा, क्योंकि मम्मी 12:30 निकल गई थी उनको पिक करने को गाँव। तो अब ठीक है कोई बात नहीं, तो किनोआ ना खा के वसंत विहार क्लब चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे एंड फिर वापसी आते हुए स्वेटर नया है तो मैं इसको घर जाके पहले चेंज करूँगा एंड देन आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू। गौ माता आ गई, जय गौ माता जी, हट जाओ, थैंक यू जी। हाँ तो फिर घर आके चेंज करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता नए स्वेटर में बाल चले जाएँ थोड़े से भी, हालांकि वो कवर अच्छे से करते हैं बट थोड़ा सा रिस्क रहता है यू नो कि बाल वाल चले जाएंगे तो फिर खाली पीली नया स्वेटर वो हो जाएगा ना, गंदा हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ आज तो फिर रिक्स नहीं लेने का भाई बिल्कुल भी। और भाई मैनुअल गाड़ी ना व्लॉग करते हुए, मैनुअल गाड़ी ऐसे ट्रैफिक में संडे है हालांकि ट्रैफिक कम है, बट गियर चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है यार। एक तो तभी मैं ना कैमरा यूजली तब उठाता हूँ जब एक स्टैंडर्ड स्पीड हो, मुझे पता है कि भाई दूर तक लाल बत्ती नहीं है तो ठीक है ना, 30, 40, 50, 60 स्पीड उसी गियर में खिंच जाती गाड़ी, ठीक है। तो बट हाँ अभी क्या करें भाई, करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, तो लेट्स प्रे कि तुम्हारा भाई जल्द से जल्द एक बहुत बड़ी गाड़ी ले ले और ऑटोमेटिक गाड़ी ले ले, और तुम सब इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो तो शायद से हो भी जाएगा एंड 10,000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, बस कुछ ही चंद पल रहते हैं, मेरे ख्याल से 700-800 सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग, और उसके बाद जैसा तुम्हारे भाई ने बोला था पिछले ब्लॉग में कि कुछ सरप्राइज है, ट्रिप टाइप कुछ रहेगा, तो वो मिलेगा बट हाँ उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, क्योंकि क्या मैं क्या क्या चीज़ें स्पॉन्सर कर सकता हूँ उसमें वो मैं कर दूंगा, ठीक है ना, तो वो मैं बता दूंगा एंड विनर जो होगा उसके लिए भी क्या एप्लीकेबल चीज़ें रहेंगी वो सब भी मैं 10,000 पूरे होने के बाद ही डिस्क्लोज करूंगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो एंड यूट्यूब में मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा प्लस व्लॉग में भी बता दूंगा, तो पहले इंस्टाग्राम पे जाएगा फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में जाएगा उसके बाद जाएगा भाई हमारे व्लॉग के अंदर की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में रस्ते में आपसे। ये होंडा सिटी वाले से पंगा हो गया, सारा दिमाग खराब कर दिया, खाली बिली दबाया जा रहा मेरी गाड़ी को ऐसे, फिर आगे रोक के मैंने उससे पूछा, हाँ मैंने कहा भाई क्या चाहिए बता, तो फिर घर कैसे चला रहा है, मैंने कहा तू कैसे चला रहा है भाई, मैं कहा मैं इधर से अगर सीधा सीधा जा रहा हूँ तो तू मेरी गाड़ी को ऐसे दबाता चला जाएगा बिना इंडिकेटर दिए, हद है भाई जबरदस्ती के पंगे सुबह सुबह। एनीवेज भाई 6 मिनट दिखा रहा है, मूड खराब कर दिया खाली बिली साले ने, राधे चौधरी बन रहा है, गलती उसकी है भाई, दबाया जा रहा है गाड़ी को, और जाना भी सीधा है, जबरदस्ती दबा रहा था गाड़ी को, मैंने कहा इधर जाना है, कह रहा सीधा, तो मैंने कहा इंडिकेटर तो देगा ना कम से कम, ना लेफ्ट जाना है, चल ठीक है लेफ्ट नहीं जा रहा, इंडिकेटर नहीं दिया, बट तू गाड़ी बिना इंडिकेटर दिए दबा भी तो रहा है भाई, तू कुछ तो बता, मतलब इधर जाना नहीं तुझे, जाना सीधा है, मेरे यहाँ जगह उसके सामने टेम्पो था, जबरदस्ती मेरे में घुसाया जा रहा है जबकि टेम्पो चल रहा है, खाली बिली। एनीवेज गाई भाई गाड़ी भगाते भगाते अपन पहुँच चुके हैं, 24 मिनट्स दिखा रहा था तुम्हारे भाई ने, ऑलमोस्ट 19 मिनट्स का कर दिया टाइम, तो 5 मिनट और लगेंगे हार्डली अपने को पहुंचने में। वी हैव जस्ट एंटर्ड वसंत विहार एरिया, सो भाई मेरे को ना अनुने भाई की जो गाड़ी है ना राम, जय श्री राम फोर्ड की,
वो भाई बड़ी कातिलाना लग रही है भाई, मेरा दिल आ गया उस गाड़ी पे। इट्स अ मॉन्स्टर मैन, इट्स अ मॉन्स्टर। मतलब एक तो 720 कुछ हॉर्स पावर, ये देखो भाई कैसे काटी उसने टैक्सी वाले ने, बताओ हमसे ना वीडियो भाई। यूपी टैक्सी बहुत गलत चला रहे हैं भाई ये ओला वाले। हाँ तो भाई उस गाड़ी पे ना जैसे ही राम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ चुका है भाई, तो लेट्स सी क्या चलता है कैसे चलता है, आगे चलाते रहेंगे और आप सबका प्यार अरे भाई को आगे लेके जाता रहेगा। ठीक है तो भाई ट्रिप भी प्लान हो रही है तो मैंने सोचा इसी ब्लॉग में अपडेट दे दूँ, कहाँ अगले ब्लॉग में लेके जाऊँगा इस चीज़ को। सो ट्रिप लेट्स सी कहाँ का बनता है कैसे बनता है। जनवरी में ही मैं सोच रहा हूँ एक दो ट्रिप्स मारने का, और फिर फेब में देखते हैं कैसे बनता है। तो मतलब ये पूरा साल कोशिश रहेगी कि हर महीने एक ट्रिप कहीं का भी बस हो जाए। अब ट्रिप कैसा होगा, लॉन्ग होगा शॉर्ट होगा, वो तो भाई मुझे भी नहीं पता, बट ये मैं चाहता हूँ कि हर महीने मैं एक या दो ट्रिप का टारगेट लेके चलूँगा कि मैं कर पाया करूँ। सो लेट्स सी, बाकी तो भगवान के ऊपर है ना। सो भाई ये पुलिया क्रॉस करते ही अपन होंगे बसंत विहार, पूरा मेन बसंत विहार के अंदर अंदर अपन लोग होंगे। मतलब ओह माय गॉड, सिद्धू मूसे वाला भाई का गाना सुन। यहाँ पे फंक्शन चल रहा है तो गाने वाने बज रहे हैं और स्विमिंग पूल पूरा खाली पड़ा है। गुलाब जामुन विद कुल्फी, आप थर्ड क्लास में थे? तीसरी क्लास में। हाँ, और जब पाकिस्तान बना था हमारा जो घर वाला जो था ना वो एक किस्म का लंगर खाना खत्म बना हुआ है। जो भी आता था हमारे से 2 किलोमीटर के ऊपर, दो कोस कहते थे, उसके ऊपर पाकिस्तान आ जाता था। और हम जो जाते थे ना नानके हमारे, उस वक्त हम वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, ना टांगा होता था ना कुछ। नहीं तो जब वॉर हुई थी आप कहाँ पे थे जब वॉर हो रही थी? क्या जब वॉर हुई थी आप कहाँ पे थे जब पार्टीशन हुई? नहीं वॉर हाँ। कौन सी वार? 1947 की वार मैंने दिल्ली में देखी है। ये चाइना की वार जो हुई ना सबसे पहले 72 की भी थी, तब भी हम लोग दिल्ली में थे। हाँ? तब हम कालका जी रहते थे, मैंने भी कुछ हुआ था कालका जी में। हाँ? कुछ हुआ था दिल्ली में, बॉम्ब हुए थे, फ्लाइट वो रात को ब्लैकआउट हो जाता था, वो हो जाता था काले वो लग जाते थे शीशों के ऊपर, शीशे काले हो जाते होते थे। और जो जो है ना मैं जब मैं पार्टीशन हुई थी ना, और पार्टीशन के बाद हमारा नानके वाले सारे उधर थे, जितने भी रघुजी बन के आए थे हमारे हमारे आए थे, और हमारे घर में सारी रात लंगर बनता था। हम क्या करते थे कि हम वो मुसलमानों के घरों में जाकर ताले तोड़ के वहाँ से गेहूँ वगैरह निकाल के लाते थे, उसका आटा बना के उनको रोटियाँ बना के देते थे। माँ जो तुम्हारी पड़नानी वो सारी रात रोटियां बनाते थे, तू और चूल्हे होते थे उनको रोटियां खिलाते थे सब, जितने भी मतलब सब लोग हमारे घर में ही आते थे। जो नहीं भी जानते थे ना वो सारे वाले हमारे घर में भेज देते थे। हमारे हवेली थी बड़ी। आपने फिर कोई बंकर टाइप बनाया? बंकर हवेली थी हमारी, वो तो ठीक। बंकर बनाया? बंकर नहीं, बंकर मैंने फिरोजपुर में देखा था, अगर भांजे के पास गया था जो ब्रिगेडियर था उनके वहाँ पे था बंकर, वो उन्होंने आर्मी वालों ने बना रखे। बंकर बनवाना है, कैसे बनवाऊं? मुझे भी एक बंकर चाहिए। बंकर? हाँ, क्योंकि वॉर होने वाली है। बंकर तो वो बनता है लड़ाई जब होती है। हाँ तो बनने वाला है ना, लड़ाई होने वाली है। बंकर बनाना है, कैसे बनेगा वो? तो जमीन में बनाते हैं, जमीन के अंदर नीचे। तो आप किसी को जानते हो जो बनाता है बंकर? नहीं, देखे थे हमने बने हुए। कैसे अगर बनवाना हो? भांजा ब्रिगेडियर था ना, उसको बार चल रही थी, वार का वो था, हम वहाँ गए हुए थे। हम वहाँ गए थे तो उसने वो हमें दिखाया कि ये बेहतर है यहाँ पर जो है ना, वो कैप्टन भी था वहाँ पर जो उसको कंट्रोल कर रहा था। तो
मांझा मेरे ब्रिगेडियर का। तो भाई मम्मी निकल चुकी नाना को छोड़ने के लिए और हम जरा गाड़ी रिवर्स कर रहे थे अपनी। चलो भाई हो गई। भाई बढ़िया स्टोरी सुनाई नाना ने आप सबको। एक स्टोरी मैं रिकॉर्ड नहीं करी, वो मिस हो गई मेरे से। वो थी नाना ने टिकट लेस ट्रेन में ट्रैवल कैसे करा था, लाइक बिना टिकट के अपने टाइम पे ट्रैवल कैसे करा था ट्रेन में, वो एक स्टोरी सुना रहे थे नाना। और उसके बाद तो भाई फिर बॉर वाली स्टोरी सुनाई कि जब बॉर हो रही थी तो कैसे हालात थे। तो नाना बता रहे थे कि हम घरों से जाके खाना वाना निकालते थे, मतलब सब एक दूसरे के वहाँ से वो करते थे। बट उसका रीज़न ये था कि उनके घर पे सेवा चल रही थी, तो अब जिसके घर पे भी राशन होता था, क्योंकि सब मोस्टली मैक्सिमम लोग ना छोड़ के भाग चुके थे यहाँ से, ठीक है, अपने अपने घरों पे ताला वाला मार के, तो अब दुकानें वुकानें सब बंद थी। और नाना ने अपने घर पे लंगर सर्विस चला रखी थी, तो आस पड़ोस में जिसके भी घर होते थे उनका ताला तोड़ के उनके घर में से जो भी राशन निकल पाता था निकाल के, बिकॉज वॉर चल रही थी तो भाई उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो सर्वाइव करने के लिए, तो यही एक ऑप्शन था। एंड बाकी जितने लोग उनके घर पे आ रहे थे तो उनकी हेल्प करने के लिए ये सब स्टेप्स लिए गए थे नाना द्वारा। तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट उन्होंने किसी का भला ही करा। अगर वो उस टाइम पे उस घर में भी लोग होते तो शायद से वो भी यही स्टेप लेते। तो यही था भाई, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से घर, चेंज करेंगे और फिर जाएंगे सलोन। एंड कुछ ऐसा दिन है अभी संडे, अपना कुछ ऐसा खास बढ़िया जा रहा है, ठीक है ना। और मेरे को दो तीन काम थे बट वो दो तीन काम आज नहीं हो पाए, तो अब देखते हैं कल परसों में करेंगे। और ये भाई गिफ्ट मिला था अपने को अपनी वियतनाम एयरलाइंस से, ये रहा, आई लव वियत जेट, वियतजेट से मिला था। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में आप सब से। भाई मिस हो गई यार, बहुत तेज चली गई, बढ़िया लंबोगनी हुराकन दाटू कन्वर्टेबल। अरे हम पहुंच चुके हैं हयात फ्रिजेंस, हयात फ्रिजेंसी दिल्ली के पीछे, यानी कि बीकाजी काम ऑफ प्लेस। क्या लाए हैं भैया काले रंग का, पता नहीं क्यों लाए हैं। बाल कटवाने आ चुके हैं, ये यहाँ टांग दिए जैकेट को अपना, फटाफट से कटवाते हैं, कुमार भैया हो रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी भाई लो, बाल नहीं कटवाए हैं, कटवाई है सिर्फ दाढ़ी, बियर्ड कटवा ली है, तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा भाई लग रहा है स्मार्ट, क्योंकि जो शैबीनेस थी बियर्ड की, क्योंकि यहाँ यहाँ तक आ जाती है भाई मेरी बियर्ड, तो उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। बट नाउ आई एम बैक लुकिंग रियली रियली सेक्सी। एंड सलाम है, दो तीन पत्नियाँ भी तुम्हारे भाई को देख रही थी। तो भाई अब जा रहे हैं घर, भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और ये देखो लाल बत्ती है, ठीक है, लाल बत्ती का ये नज़ारा है, की पाँ पाँ, और सारे लाल बत्ती तोड़ रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला मेरा ब्लॉग देख रहा है तो देखो भाई चलान काटो उन गाड़ियों पर जो गई हैं तीनों, और ये ऑटो जा रहा है इसका भी चलान काटो, ये स्कूटी वाले का भी काटो, और वो गाड़ी देखो स्टॉप लाइन यहाँ है और कहाँ जमुना पार जाके खड़ी है, ये बाइक वाला भी गया, इसका भी चलान काटो भाई, वो बिना हेलमेट के जा रही है वो देखो बाइक। ओ बेटे ओ बे, अच्छा साढ़े एक तो तू रॉन्ग साइड आ रहा, उसको बेचारे को बोल रहा है, अच्छा वो भी गलत ही है भाई, लाल बत्ती करो साला, सबर ही नहीं है किसी में यार, मजाक बना दिया वो बीप कहीं के।